सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन लेकर के आ गया हूँ, जिसमें आपको जो है गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छी देखने को मिल जाती है, आपको जो है परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है, और ये टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो है आपको अंडर 20,000 देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपकमिंग अक्टूबर की स्मार्टफोन की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन से जाकर के देख लीजिएगा, आपको आई बटन में जो है वीडियो मिल जाएगी। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले स्मार्टफोन की। तो दोस्तों, ये रियलमी नार्जो 35G आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें 6.5 इंच की आपको फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। 600 निट्स के आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलती है, और 16M कलर रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाती है, मतलब कि कलर रिप्रोडक्शन जो है आपको इसमें बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है, कलर सेचुरेशन आपको बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। 405 PPI की जो है आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब इसकी प्रोसेसर की। तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 की प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, जो कि नंबर ऑफ कोर आपको 8 देखने को मिलती है, और ग्राफिक्स आपको माली G57 की देखने को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर वाइज स्टोरेज की बात कर ले तो एंड्रॉइड वर्जन 11 पे आपको ये स्मार्टफोन काम करती है, और UI जो है आपको इस पर रियलमी की तरफ से देखने को मिल जाती है, रियलमी UI। स्टोरेज की बात कर ले तो 6GB की रैम वेरिएंट देखने को मिलती है, और 128GB की आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं 1TB तक। बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको क्या कैमरा देखने को मिलती है, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, 64MP, 2MP एंड 2MP की। फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। फोन में दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 55W की फास्ट चार्जिंग इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इसकी प्राइस की। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन जो है आपको 16,499 में देखने को मिल जाती है। सो गाइस, बात कर लेते हैं आप दूसरी स्मार्टफोन की। तो ये आपको IQ Z3 5G देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 6.58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि फुल HD+ की डिस्प्ले है। HDR10 सपोर्ट के साथ आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन डिस्प्ले दोस्तों आपको वाटर प्रूफ नोच के साथ देखने को मिलती है। 1300 आपको ब्राइटनेस निट्स देखने को मिल जाती है, 1300 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, 16M कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, और 401 PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G की आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, नंबर ऑफ कोर आपको 8 देखने को मिलती है, ग्राफिक्स की बात कर ले तो एड्रीनो 620 की आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर और स्टोरेज की बात कर ले तो एंड्रॉइड वर्जन 11 आपको देखने को मिलती है, UI आपको फन टच OS की देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 6GB की रैम वेरियंट देखने को मिलती है, 128GB की आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और आप इसको जो एक्सपेंड कर सकते हैं 1TB तक। फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है, 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP एंड 2MP। फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या बैटरी देखने को मिलती है, तो 4400mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसे चार्ज करने के लिए 55W की आपको फास्ट चार्जिंग इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन जो है आपको 19,990 में देखने को मिल जाती है। ये आपको जिस समय सेल स्टार्ट होने वाली है बिग बिलियन डे, उसमें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे अगर देखिएगा तो 21,185 में भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगी। सो गाइस, बात कर लेते हैं नंबर 3 की। तो रियलमी 8S आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें 6.5 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फुल HD+ की पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, 600 निट्स की जो आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाती है, 16M आपको कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, और 405 PPI की जो आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 की आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, और साथ ही में दोस्तों नंबर ऑफ कोर आपको 8 देखने को मिलती है, और ग्राफिक्स आपको माली G57 की देखने को मिल जाती है। फोन में दोस्तों सॉफ्टवेयर स्टोरेज की बात करें तो एंड्रॉइड वर्जन 11 रियलमी UI पे आपको काम करती हुई दिख जाती है। 8GB रैम, 128GB की आपको स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलती है, और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1TB तक, इसके स्टोरेज को जो आप एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा करके। बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या कैमरा देखने को मिलती है, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाती है, 64MP, 2MP एंड 2MP। फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसे चार्ज करने के लिए 55W की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात कर लें तो 21,285 में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है, लेकिन बिग बिलियन डेज जो सेल आपको स्टार्ट होने वाली है, उसमें आपको 19,000 के अप्रॉक्स ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। सो
दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले स्मार्टफोन। तो गाइस बात कर लेते हैं नंबर फोर्थ स्मार्टफोन की, तो रियलमी X7 आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें 6.43 इंच की आपको सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद पंचुअल डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। 600 निट्स की आपको ब्राइटनेस लेवल, 16 एम कलर रिप्रोडक्शन और 411 PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U की प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, नंबर ऑफ कोर आपको 8 देखने को मिलती है और ग्राफिक्स माली G57 की आपको देखने को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर स्टोरेज की बात कर लें तो इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिल जाती है, रियलमी UI आपको देखने को मिल जाती है, 8GB रैम 128GB की आपको स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलती है। आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको एक्सपेंडेबल देखने को नहीं मिलती है, डेडिकेटेड आपको देखने को नहीं मिलती है। बात कर लेते हैं इसके कैमरा फीचर की, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या बैटरी देखने को मिल रही है, तो 4310 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल रही है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 50W की फास्ट चार्जिंग इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात कर ले तो प्राइस आपको 22,000 के अराउंड देखने को मिलती है, लेकिन बिग बिलियन डे सेल में आपको ये 20,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस बात कर लेते हैं सबसे आखिरी स्मार्टफोन की, जो कि सैमसंग गैलेक्सी M42 5G आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 6.6 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पंचुअल डिस्प्ले, 1000 निट्स की आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाती है, 16M कलर रिप्रोडक्शन और 266 PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750Z की प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, इसमें आपको नंबर 48 देखने को मिलती है और ग्राफिक्स की बात कर ले तो एड्रिनो 619 की आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर स्टोरेज की बात करें तो एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिलती है, सैमसंग UI पे आपको जो ये काम करती हुई दिख जाती है, 6GB की रैम 128GB की आपको स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलती है, स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1TB तक, इसमें आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, 48MP, 8MP, 2MP एंड 2MP की। फ्रंट में आपको 20MP की सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसे चार्ज करने के लिए 18W की आपको चार्जिंग देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात कर ले तो 19,990 में आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन सेल के दौरान ये स्मार्टफोन आपको 17,000 के अप्रोक्स देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।